हाय गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन सौरभ गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम अपने गेम के अंदर दो दो करेक्टर ले सकते हैं। आप सभी अपने बलेरो के अंदर देख पा रहे हैं कि हम दो करेक्टर के साथ बलेरो को ड्राइव कर पा रहे हैं एंड एक साथ में तीन तीन बलेरो को भी ड्राइव कर सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा जो आपके गेम में इस बार के अपडेट में जेट पैक आया, एक साथ में बहुत सारे जेट पैक को उड़ा सकता हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम बहुत सारे जेट पैक को एक साथ में उड़ा रहा हूँ एंड आप सभी भी बहुत आसानी से अपने गेम के अंदर एक साथ में बहुत सारे जेट पैक को उड़ा सकते हैं। उसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं एंड इसके अलावा जो रोहित गेमिंग स्टूडियो ने आपके गेम में वर्क स्टार्ट किया है, उसकी स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा कि रोहित गेमिंग स्टूडियो आपके गेम में किस चीज को सबसे पहले ऐड कर रहे हैं एंड कब तक ऐड कर देंगे एंड उसके बाद किस चीज पर रोहित गेमिंग स्टूडियो वर्क करने वाले हैं। क्योंकि भाई, आपके इंडियन बाइक टू ड्राइविंग थ्री गेम का न्यू अपडेट आए हुए 8 से 9 दिन हो चुका है, तो रोहित गेमिंग स्टूडियो ने फिर से वर्क करना स्टार्ट कर दिया है एंड कुछ चीजों को ऐड भी कर दिया जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना एंड चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं जैसे ही कोई वीडियो लाऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ही मत देखना, नहीं तो आप सभी ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे गेम में रोहित गेमिंग स्टूडियो ने किस चीज को ऐड किया है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमारे गेम के अंदर रोहित गेमिंग स्टूडियो ने किस चीज को ऐड किया है एंड रोहित गेमिंग स्टूडियो से हमारी क्या बात हुई है उसकी भी स्क्रीनशॉट मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जब रोहित गेमिंग स्टूडियो से पूछा गया सर आप नेक्स्ट अपडेट पर कब से वर्क स्टार्ट करोगे, तो रोहित गेमिंग स्टूडियो ने कहा हाँ सिटी रिवर्क स्टार्ट होगा एंड उसके बाद जब पूछा गया और कुछ न्यू ऐड नहीं करोगे क्या आईजीएस टूल में अभी, तो रोहित गेमिंग स्टूडियो ने रिप्लाई करते हुए बोला सिटी रेडी होने के बाद सोचूंगा। इसका मतलब है कि इस बार के भी अपडेट में आईजीएस टूल के अंदर बहुत सारे कोड आने वाले हैं, क्योंकि रोहित गेमिंग स्टूडियो ने कहा पहले तो मैं आपके गेम के अंदर जितनी भी सिटी है इसको चेंज करूंगा इस बार के अपडेट एंड उसके बाद मैं आपके गेम के अंदर जो आईजीएस टूल है इसमें कुछ कोड ऐड करूंगा। और इसके अलावा जो आप सभी बहुत दिनों से काफी ज्यादा ये कमेंट कर रहे हैं कि GTA 5 मोड हमारे गेम में आना चाहिए, तो अगर जो ऐड हो पाएगा तो मैं आपके गेम के अंदर ऐड करूंगा इस बार के अपडेट में। अगर जो GTA 5 आपके गेम के अंदर नहीं ऐड हो पाएगा तो रोहित गेमिंग स्टूडियो ने कहा फिर BMW कार को हम आपके गेम के अंदर ऐड कर दूंगा। चलो वो तो हम देख ही लेंगे कि हमारे गेम के अंदर रोहित गेमिंग स्टूडियो क्या-क्या ऐड करते हैं। सबसे पहले तो आपके गेम के अंदर सिटी को ऐड होने दो, उसकी पिग आएंगी, उसका लाइव गेम प्ले आएगा जो मैं आप सभी को दिखाऊंगा एंड उसके बाद बात करता हूं कि हमारे गेम के अंदर न्यू और क्या ऐड होने वाला है। लेकिन कुछ चीजों को आना तो कंफर्म है, जैसे कि आपके गेम के अंदर रोहित गेमिंग स्टूडियो ने जिम सेंटर को ऐड किया है लेकिन करेक्टर अभी जिम नहीं कर पा रहा है, तो वो तो कंपल्सरी है कि आपके गेम में इस बार के अपडेट में वो ऑप्शन भी आएगा जहां से आपका करेक्टर जिम कर पाएगा। चलो ये रही हमारे गेम के इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम में न्यू अपडेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हम अपने गेम के अंदर, मैंने शुरू में बताया था आप सभी को एक साथ 2 से 3 बलेरो को कैसे ड्राइव कर सकते हैं एंड इसके अलावा जो हमारे गेम में जेट पैक आया बहुत सारे जेट पैक एक साथ में कैसे उड़ा सकते हैं वो मैं आप सभी को करके दिखाऊंगा एंड आप सभी भी हमारे स्टेप को फॉलो करते हुए एक साथ बहुत सारे जेट पैक को उड़ा सकते हैं एंड एक साथ में बहुत सारे बलेरो को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि मैं एक साथ में बहुत सारे जेट पैक को कैसे उड़ा सकता हूँ। सबसे पहले आप अपने गेम के अंदर बहुत सारे जेट पैक को एक के ऊपर एक स्पॉन कराना है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम अपने गेम के अंदर एक के ऊपर एक बहुत सारे जेट पैक को स्पॉन करा रहा हूं एंड आप सभी भी अपने गेम में जितने जेट पैक को एक साथ उड़ाना चाहते हैं उतने जेट पैक को एक के ऊपर एक स्पॉन करा लेना। चलो मैंने अपने गेम के अंदर 5 से 6 जेट पैक को एक साथ में स्पॉन करा लिया एंड अब इसके पास हमें जाना है एंड देखना है कि दोनों ऑप्शन जब मर्ज करेंगे तो हमें बैठना है। तो अभी हम अपने जेट पैक के पास जा रहे हैं, तो आप सभी देख सकते हैं कि अपने जेट पैक पर बैठ लिया हूं एंड एक साथ में दोनों जेट पैक नीचे के नाच रहे हैं एंड हमें अभी इन्हें उड़ाना है। तो आप सभी देख सकते हैं कि एक साथ में मेरे जितने भी जेट पैक मैंने स्पॉन कराए थे सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं और आप सभी देख सकते हैं कि हम एक साथ में बहुत सारे जेट पैक को उड़ा पा रहा हूं। तो आप सभी भी इस स्टेप को फॉलो करके अपने गेम के अंदर बहुत सारे जेट पैक को एक साथ में उड़ा सकते हैं। तो चलो मैं एक साथ में आप सभी को सबसे पहले 2-2 बलेरो को ड्राइव करके दिखाऊंगा एंड उसके बाद बताऊंगा कि एक साथ में बहुत सारे बलेरो को आप सभी कैसे ड्राइव कर सकते हैं। एक के साइड में एक बलेरो हमें स्पॉन कराना है एंड दोनों का ऑप्शन मर्ज करने के बाद हमें बलेरो के अंदर बैठना है। बैठने के साथ आप सभी देख सकते हैं कि जो हमारे गेम में 2 बलेरो थी दोनों ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एक में करेक्टर है लेकिन एक बलेरो में करेक्टर नहीं है, उसकी भी स्टेयरिंग हमारे ही हाथ में, मैं जिधर को मोड़ूंगा उधर को वो बलेरो भी जाएगी एंड अभी आप सभी को 2 बलेरो के बारे में पता चल चुका है लेकिन आप सभी को 2 से 4-6 बलेरो एक साथ में ड्राइव करने में काफी परेशानी होगी इस स्टेप को फॉलो करने से। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी कैसे अपने गेम के अंदर बहुत सारे बलेरो को एक साथ में ड्राइव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी को सबसे पहले 2 बलेरो को मर्ज कर लेना है। जैसा कि आप सभी देख सकते
सकते हैं, हम अपने गेम के अंदर दो बलेरो को मर्ज कर रखा एंड इसके बाद हमें इन बलेरो के ऊपर दो दो चार चार बलेरो स्पॉन करानी है। आई मीन कहने का ये मतलब है कि जितनी बलेरो आप सभी को एक साथ में ड्राइव करनी है इनके ऊपर आप स्पॉन करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो बलेरो स्पॉन करा ली एंड जंप के साथ ऊपर वाले बलेरो पर बैठ गया हूँ। एंड अभी आप सभी देख सकते हैं कि हमारे गेम के अंदर जो तीन बलेरो है मैं एक साथ में तीनों को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो इस स्टेप को फॉलो करके आप अपने गेम के अंदर दो से तीन यानी पांच छह जितनी भी बलेरो ड्राइव करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड आप सभी को ये तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना एंड गेम के अंदर कुछ भी और ऐड कराना चाहते हैं तो उसका भी कमेंट आप नीचे कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप सभी को वीडियो के थ्रू बता दिया एंड मिलते आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर न्यू अपडेट के न्यू व्हीकल्स के लाइव गेम प्ले के साथ।